जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी 41 FAD 41 फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिप में वैकेंसी आउट हुई थी, जिसके आपके एनकार्ड आउट हो चुके थे, लेकिन कुछ दिक्कत के चलते आपके जो एग्ज़ाम है, जो फिजिकल है, वो आपके पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो अब यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम डेट है और प्लस में आपकी जो फिजिकल डेट है, वो अब आपकी ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या कुछ आपकी नई एग्जाम डेट रहने वाली है, अब जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो कैसे आपको मिलने वाले हैं, और जिनका एडमिट कार्ड पहले नहीं आया था, क्या अब उनके एडमिट कार्ड आएंगे या फिर नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो अब आपकी प्रोसेस होने वाली है, उसमें आपके एग्जाम लोकेशन और आपके पोस्ट वाइज जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो क्या कुछ रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो 41 FED में आपके वैकेंसी आउट हुई थी, उसमें आपकी पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी पोस्ट है वो है आपकी ट्रेडमैन की। देन आपकी जो अगली पोस्ट है वो आपकी JOA, जिसको हम LDC भी बोलते हैं। देन आपकी MA, मटेरियल असिस्टेंट। फिर आपकी जो अगली पोस्ट है वो है आपकी MTS, मल्टी टास्किंग स्टाफ है। और फिर है आपके फायरमैन की पोस्ट है। तो ये आपकी वो पोस्ट हैं जिनके ऊपर आपकी 41 FAD की वैकेंसी आउट हुई थी, और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके आउट हो चुके थे, लेकिन आपको उन्होंने बताया, और आप खुद भी जानते हैं कि आपके एग्जाम किसी दिक्कत के चलते पोस्टपोन कर दिए गए थे, लेकिन अब आपके जो न्यू एग्जाम डेट है ना, वो आउट हो चुके हैं। और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो अब आपकी नई सिलेक्शन प्रोसेस की डेट रहने वाली है, वो है आपकी 4 मार्च से लेकर आपकी 31 मार्च तक है। कितनी डेट आपको मैंने बताई है, 4 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक है, जो आपकी भर्ती है 41 FAD की, वो अब दोबारा कंडक्ट होने वाली है। और एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, यहाँ पर अगर आप मेरे रेगुलर फॉलो करते आ रहे हैं, तो जब आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए था ना, आपको हमने तभी बता दिया था कि अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो फिजिकल आपकी होगी, वो मार्च 2022 में होने वाली है। और ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमने बताया था या फिर नहीं। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि आपकी जो जानकारी आपको हमने बताई थी, बिल्कुल सही साबित हो चुके हैं। ये आपकी डेट ऑफिशियली आउट हो चुकी है कि 4 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपकी 41 FAD की जो भर्ती है, अब वो दोबारा यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। और यहाँ पर जो लोकेशन है, जो आपकी एग्जाम डेट है, जो आपकी फिजिकल डेट है, जो आपका एग्जाम सेंटर है, वो सब आपको आपके एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। यहाँ पर जिनके एडमिट कार्ड पहले आ चुके थे, जिनके एडमिट कार्ड पहले आउट हो चुके थे, उनको तो 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनका जो एडमिट कार्ड आया था ना, तो उसमें जो उनका इंडेक्स नंबर है वो उनको याद रखना है। याद क्यों रखना है, क्योंकि अब आपके एडमिट कार्ड नए सिरे से जारी नहीं किए जाएंगे। आपके जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, और आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, जो भी आपकी लिस्ट होगी आपको हम खुद दिखाएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आपके जो एडमिट कार्ड की लिस्ट है, विद आपके इंडेक्स नंबर, आपकी एग्जाम डेट, आपकी फिजिकल डेट, आपका एग्जाम सेंटर, वो सारी जानकारी आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब अगर बात करें कि जिनके एडमिट कार्ड पहले नहीं आए थे, उनका क्या होगा, तो उनके भी एडमिट कार्ड आएंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जिनके एडमिट कार्ड पहले नहीं आए थे ना, उनके एडमिट कार्ड आएंगे, लेकिन उनकी लिस्ट लगेगी, उनके एडमिट कार्ड आउट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उनकी भी लिस्ट लगेगी, सभी की लिस्ट इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपकी अपलोड कर दी जाएगी। और जैसे ही आपकी लिस्ट आउट होती है, तो आपको वो लिस्ट भी बता देंगे, और जो भी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके जी, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आपकी जो पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो आपकी थोड़ी सी अलग रहेगी। अलग कैसे रहेगी वो सुनिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपकी पोस्ट है फायरमैन की, तो फायरमैन में सबसे पहले क्या होगा, फायरमैन में सबसे पहले आपकी PMT की प्रोसेस होगी, फिजिकल होगी। लेकिन फिजिकल में आपकी दो स्टेज होती हैं, एक आपकी होती है PMT, दूसरी आपकी होती है PET। PMT में क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, जिसमें आपके हाइट, चेस्ट और वेट मेजर किए जाएंगे। देन आपके अगली प्रोसेस होगी PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रेस यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। ओके, देन अगर बात करें आपको जो अगले पोस्ट है MTS की, तो MTS में आपका जो पहली स्टेज है ना, वो है आपके रिटर्न एग्जाम की। MTS में सबसे पहले आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा।
इसके बाद आपके जो ट्रेड रहने वाली है ट्रेडमैन की, इसमें भी सबसे पहले आपके जो फिजिकल है वो कंडक्ट होगी। ट्रेडमैन में देखिएगा यहाँ पर कोई भी आपके जो पीएमटे की प्रोसेस है वो कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपके जो अगली पोस्ट है JOALDC, इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, रिटर्निंग एग्जाम होगा। कुछ एक ऐसे कैंडिडेट जिनका डाउट था कि इसमें पहले टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर आपका एग्जाम होगा, इसमें सबसे पहले आपका रिटर्निंग एग्जाम होगा। और यदि आप लोग अपना रिटन एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। और उसी तरह से आपके जो अगली पोस्ट है MA मटेरियल असिस्टेंट है, इसमें मात्र क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें कोई आपका जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। तो ये आपकी पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। आपको उन्हें बता दिया कि जो भी आपके एग्जाम की डिटेल है, आपके डेट वगैरह, सेंटर वगैरह, शिफ्ट वगैरह, सिटी वगैरह, वो सब कुछ आपको आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, जो कि आपके साइट पर लिस्ट अपलोड की जाएगी उसमें। तो ये थी आपकी जानकारी, उम्मीद है आपको जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और बात करें कि आपके जो लिस्ट है ना वो आउट कब से की जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपके फरवरी के मिड में, क्या आपको हमने क्या बताया कि फरवरी 2022 के मिड में आपको सेकंड वीक में जो आपकी लिस्ट है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताता हूँ, फरवरी के मिड में, फरवरी के सेकेंड वीक में आपको इंडियन आर्मी 41 FAD की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। और मार्च में, 4 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपके जो FAD की प्रोसेस है वो आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो ये थी आपकी जानकारी। और आपको हमने पहले भी कहा था कि बस आप लोग जुड़े रहिएगा, बिल्कुल पल पल के जो अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तो उम्मीद आपको जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर जैसे आपकी कोई और आपकी नई अपडेट आती है तो आपको हमें बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।